बुरहानपुर में बारिश नहीं होने से किसानों और कृषि विभाग की चिंता बढ़ गई है। जिले में सामान्य वर्षा 863 मिलीमीटर है, जबकि अभी तक केवल 300 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। कृषि विभाग का दावा है कि फिलहाल तो फसलों की हालत ठीक है, लेकिन उन्होंने किसानों को बारिश के भरोसे न रहकर संसाधनों से सिंचाई करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि खरीफ सीजन की जिले में 100% बोनी हो चुकी है, जिसमें 40,000 हेक्टेयर कपास, 15,000 हेक्टेयर मक्का और 18,000 हेक्टेयर में सोयाबीन शामिल है। कपास और सोयाबीन की फसलें क्रिटिकल मानी जाती हैं। इन फसलों को पानी की अधिक जरूरत होती है, लिहाजा इन किसानों को फोकस करके कृषि विभाग का मैदानी अमला किसानों को सिंचाई साधनों से शुरू करने की सलाह दे रहा है। कृषि विभाग ने यह भी कहा है कि अगर आने वाले 15 दिनों में बारिश नहीं होती है तो फसलों को नुकसान होगा। बुरहानपुर का जो औसत आंकड़ा यहाँ का 823 मिलीमीटर है और जो अभी तक वर्षा हुई है वो 309 mm, लास्ट ईयर के अपेक्षा लगभग अभी भी 36% वर्षा जो इस समय की अवधि में हुई थी उतना कम है। फसल स्थिति अभी ओवरऑल अच्छी है, किंतु लगभग 10 दिन या 15 दिन नहीं आता तो फसलें प्रभावित होने की संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से भी आग्रह है कि स्प्रिंकलर और ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें, ऊपर के पानी का इंतजार न करते फसलों में सिंचाई जहां आवश्यकता 10 से 15 दिन बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से मैदानी अमला हम लोग अभी जैसे शासन ने 250 टारगेट लक्ष्य स्प्रिंकलर का दिया था कि जो लघु सीमांत किसान है या जो ऑनलाइन का, तो वो भी हम लोग तत्काल उनके प्रकरण भी जारी कर रहे हैं स्वीकृति, तो किसान वहाँ से भी लाभ लेकर कर सकते हैं और जिनके पास ऑलरेडी जो है वो उसका उपयोग करें। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट किसानों को अपनी फसल बचाने का प्रथम प्रयास करना चाहिए कि हमारी फसल, ऐसा तो नहीं कि पानी नहीं गिरेगा, पानी वर्षा होगी आगे भी, पर अभी जो स्थिति है वो 10 से 15 दिन के बाद लगभग उसको फसल में सिंचाई कर शुरू प्रारंभ कर देना चाहिए। बोनी लगभग हमारा 100% बोनी तो हो चुकी है, जिसमें कि लगभग हमारे यहाँ 40,000 हेक्टेयर में कपास है और मक्का लगभग 15,000 हेक्टेयर में है और सोयाबीन भी लगभग 18,000 हेक्टेयर के आसपास है। तो जो क्रिटिकल फसलें हैं सोयाबीन और जो कपास है उसमें तो पानी बोनी पानी शुरू कर देना चाहिए किसानों को। 10 से 15 दिन बाद स्थिति थोड़ा टिपिकल बनेगी यदि वर्षा नहीं होती है तो। हाँ बढ़िया स्थिति फसल में, अभी कोई ऐसा कोई व्याधि नहीं है, अच्छी फसल स्थिति है, फर्टिलाइजर भी किसान दे रहे हैं और सोसाइटी या मार्केट में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्टिलाइजर की भी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।